हमारे साथ राजेश सातपुते, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, प्रशांत सावंत और पार्थिव शाह जुड़ रहे हैं। आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। गाबा जी बताइए, आज का टॉप कॉल क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में तेजी है, सेटअप सही है, बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है, स्टॉक ट्रेड करा है 1162 पर। आई थिंक स्टॉप लगाना चाहिए 1150 का, 12 रुपए का है, और नॉर्मल लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होना चाहिए 1200 रुपए का। सेटअप सही है और बैंकिंग क्षेत्र भी अच्छा लग रहा है। एक्सिस बैंक पर नजर रहेगी गावा सर की। तो ये हो गया आज का पहला पिक। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग अर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करनी है। आईसीआईसीआई बैंक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन कल के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो करेंट लेवल्स पे आप आईसीआईसीआई बैंक में एक लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। जो स्टॉप लॉसेज है वो स्टॉप लॉसेज रहेंगे 1119 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। टारगेट 1165 तक के हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहे तो 1140 का कॉल ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक का लिया जा सकता है, जो कि 9.65 रुपीज पे क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो 4 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और टारगेट 25 रुपए के सेट करके चलिए। ओके, तो ये आप सीधे ऑप्शंस के जरिए 1140 का कॉल ले सकते हैं, वरना सीधे स्टॉक खरीदेंगे तो 1165 का टारगेट, 1119 का स्टॉप लॉस रहेगा। अमित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, नजर में तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही थे, बट दैट हैज बीन कवर्ड। तो उसके अलावा मुझे पीएसयू बैंक, जिसमें पहले से भी स्ट्रेंथ थी, वो पसंद आ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाना चाहूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 269 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया है पिछले 8-10 दिनों में अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और कल के सत्र में एक स्मॉल सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट है। फ्यूचर्स में अगर देखें तो 270 के कॉल राइटर्स भी कल थोड़े प्रेशर में थे, तो 269 पे से बाय करें। टारगेट रहेगा 278 का और स्टॉप लॉस रहेगा 265 का। ओके, चलिए ये हो गई बैंक ऑफ बड़ौदा पर पिक। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आपके ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, नज़र बैंकिंग पे है, लेकिन बैंकिंग ऑलमोस्ट कवर हो रहा है। जहाँ जहाँ पे नज़र थी वो सब कवर हो रहा है, तो नया बैंकिंग मैं ऐड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, और एक काउंटर मुझे जो सबसे बढ़िया लगता है वो है लार्सन एंड टूब्रो। एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट कल यहाँ पे एलएनटी में मिला है, अपने इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर इसका बंद था, शॉर्ट कवरिंग थी, और मुझे लगता है कि जो भी डिप मिले इसमें एलएनटी बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 3550 का, और जो टारगेट मुझे नेक्स्ट दिख रहा है वो है 3650 का। तो एलएनटी इज अ बाय ऑन डिप काउंटर फॉर मी। एलएनटी बाय ऑन डिप, और कल यहां पर धमाकेदार तेजी बनती दिखाई दी थी, तो इसी के साथ रहें, ये इसी को चेस करें 3650 के टारगेट के लिए। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। जी अर्षा जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है डीएलएफ में, और मैं डीएलएफ के साथ जाना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, मुझे लग रहा है आज की ओपनिंग में ये करीबन 845 तक आसानी से मिल जाएगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 830 स्पॉट प्राइस, और टारगेट होगा 885। ओके, तो डीएलएफ में भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। ये है प्रशांत की तरफ से ट्रेड। अब चलते हैं, एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेते हैं। पार्थिव शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। पार्थिव, गुड मॉर्निंग, बताइए ट्रेड क्या है। गुड मॉर्निंग अर्षदा जी, अनु जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, एट द रिस्क ऑफ रिपीटेशन, एक्चुअली ग्रासिम हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक रहेगा। मुझे याद है कि आपके शो पे ये स्टॉक जब 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप था तब भी हमने रेकमेंड किया था, और अभी आई थिंक 1,60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट 60% अपसाइड हुई है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आई थिंक इट इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड वैल्यू बाय। सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करें तो लास्ट ईयर उन्होंने 20,000 करोड़ का एबिटा किया है, तो ईवी एबिटा बेसिस पे अराउंड 8.2 के मल्टीपल पे है, जो एक्सट्रीमली चीप है इन अ ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर टाइप ऑफ अ स्टॉक। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर हमें जो दिख रहा है कि ये कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह का बड़ा कैपेक्स किया है, वो कैपेक्स ज्यादातर B2C टाइप बिजनेसेस में बढ़ रहा है, और हम जानते हैं कि मार्केट में जनरली जब B2C टाइप के बिजनेसेस होते हैं तो मल्टीपल्स के आगे जाते रीरेटिंग होते हैं। पेंट्स में दे ऑलरेडी कमिटेड 10,000 करोड़, विच इज ह्यूमंगस। ग्रॉस ब्लॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और काफी कैपेक्स आउटले फ्रंट लोडेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनका जो बिरला ओप्लस है दैट इज गेनिंग वेरी गुड ट्रैक्शन। तो
तो वो एक अच्छा बिजनेस बन रहा है। थर्ड जो एक इंटेंशन है पूरे ग्रुप का, इनका आई थिंक काफी वैल्यू अनलॉकिंग का इंटेंशन दिख रहा है। हमने देखा कि ABFRL में उन्होंने ये इंटेंट दिखाया है, आदित्य बिरला कैपिटल में हम देख रहे हैं कि वैल्यू भी स्लोली ग्रेजुअली इमर्ज हो रही है। हमें लग रहा है कि ग्रासिम में भी आगे जाते आई थिंक शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी वैल्यू अनलॉक हो सकती है। अगर वो होता है तो दैट विल बी अ मैसिव मैसिव ट्रिगर। उनके जो कमोडिटी टाइप बिजनेसेस है जैसे कि विस्कोस फाइबर है, कॉस्टिक क्लोरीन है, वहां पे भी हमें लग रहा है कि वर्स्ट इज ओवर और आगे जाते वहां पे अगर टर्न अराउंड होता है तो बहुत अच्छे कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेसेस है। उनका एक बिजनेस है जो ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, रेन्यूएबल्स, वहां पे भी आई थिंक ग्रोथ बहुत अच्छी है और रेन्यूएबल कंपनीज को जो मल्टीपल अभी मार्केट दे रहा है आई थिंक यहाँ पे ये बिजनेस SOTP बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अगेन आई वुड रिएट्रेट लॉन्ग टर्म के लिहाज से ग्रासिम हमें अच्छा लग रहा है एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। ओके, ग्रासिम एक पोर्टफोलियो स्टॉक का, यह है पार्थिव की पसंद। यहाँ पर तेजी की पोजीशंस आप लेकर चले, सीमेंट हो या फिर वो नया पेंट बिजनेस, वहाँ दोनों तरफ से ही एक तेजी बनती दिखाई देगी। चलिए सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए रैप अप कर देती हूँ, कुछ मिस हुआ हो तो आप नोट कर लीजिएगा टारगेट स्टॉप लॉस। बैंकों पर ही फोकस पहले आ रहा है, गावा साहब कह रहे हैं एक्सिस बैंक 1200 टारगेट, 1150 स्टॉप लॉस रहेगा। फिर मानस के रेडार पर आया है ICICI बैंक, 1165 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1119 का। और बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद है अमित सेठ को, 278 का टारगेट, 265 का यहां पर स्टॉप लॉस है। L&T पर राजेश सातपुते की नजरें हैं, 3650 के लिए मौका तेजी का, 3550 पर स्टॉप लॉस लगाना है। और DLF ट्रैक कर रहे हैं प्रशांत, आज के लिए 885 का टारगेट दिया है, 830 का स्टॉप लॉस। और पार्थिव को पसंद है ग्रासिम, जिसमें उनकी राय है बाय साइड का ट्रेड लेने की। तो ये सभी ट्रेड्स जो आज आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन अब